सो हेलो दोस्तों, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो शानदार वीडियो के साथ आ चुके हैं एक और। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक इंटेक्स का होम थिएटर। तो फ्रेंड्स, ये मेरे घर पे है था और ये बहुत दिनों से ख़राब पड़ा था, तो मैंने सोचा इसका भी कुछ कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इस पर बहुत धूल जम रही है, तो इसको मैं क्लीन करता हूँ और आज की वीडियो में बताऊँगा कि इसके अंदर क्या होता है और इसकी पूरी डिटेल दूँगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शर्मा एक्सपेरिमेंट। सो गाइस, मैंने इसको पहले क्लीन कर दिया है क्योंकि ये बहुत गंदा दिख रहा था और वीडियो में ऐसा इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको पहले क्लीन कर देता हूँ। तो मैंने ऊपर से इसको क्लीन कर दिया है और अंदर से क्लीन करना बाकी है। तो इसको पहले खोलेंगे तो इसके पीछे बहुत सारे स्क्रू लगे हैं, तो हम स्क्रू को खोल देते हैं। और फ्रेंड्स, आप वीडियो में आगे बने रहना क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ऐसे शानदार वीडियो और प्रोजेक्ट वीडियो मिलते रहते हैं। और हम इस आने वाली वीडियो में, अगर आप कमेंट करोगे तो आने वाली वीडियो में इस होम थिएटर को रिपेयर करेंगे और इसको पूरी तरह चला के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि आपके दोस्तों को भी ऐसे वीडियो पसंद है तो उनको भी देखने मिलेगी। तो फ्रेंड, इसमें मैं आगे बने रहता हूँ और मैं इसको जल्दी से खोल देता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने इसको चारे जो भी स्क्रू थे, जितने भी स्क्रू थे, 10 स्क्रू थे फ्रेंड्स, उनको खोल दिया है। और इसके अंदर हमको मिला है एक ट्रांसफार्मर और इसके वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें एक बूफर भी मिला है जो कि फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हाँ, बूफर ही है फ्रेंड्स। और ये अंदर लगा हुआ था और अंदर गिरा हुआ था, तो ये हमने निकाल लिया है और ये मुझे लगता है चल रहा होगा कम्प्लीट। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ और आने वाली वीडियो में इसका भी यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसके अंदर तो हमें बहुत सारा खजाना मिला है। और ये एक बोर्ड देख सकते हो, ये इसका बोर्ड का नाम तो मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स, पर ये हमारे वीडियो में काम आ जाएगा। मुझे लगता है इसका शायद कुछ ख़राब है, मैंने एक बार पहले इसको चेक किया था फ्रेंड्स, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, तो फिर इसको एक बार और हम टेस्ट करेंगे। और इसके अंदर बहुत सारे वायर भी मिले जो कि हमारे इस होम थिएटर में काम आएंगे। और इसके आगे कुछ सर्किट को खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसके आगे एक सर्किट को खोला है। तो इसके अंदर हमें दो बोर्ड दिख रहे हैं जो कि एक तो मुझे पता है कि एक तो हमारे ब्लूटूथ स्पीकर का है और एक और शायद इसका होना चाहिए वॉल्यूम, और ये कंट्रोलर है, इसमें ये बटन सारे हैं। तो फ्रेंड्स, ये पुरानी जो पुराने मॉडल आते थे उसमें का है, इसलिए इसमें क्या दूसरा वाला बोर्ड लगा है। और इसमें आप देख सकते हो जो कि अलग तरह का बोर्ड है फ्रेंड्स। और इसको किसी को पता है कि इस बोर्ड का नाम क्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा इसके बारे में जानना होगा और अगली वीडियो में मैं पूरा इसके बारे में बताऊंगा। तो आप देख सकते हो अभी भी इसके अंदर भी धूल है, तो हम इस धूल को साफ़ करेंगे। और जो वायर हमारे 2-3 वायर के ऊपर ये लगा हुआ है, तो इन वायर को हटा लेते हैं क्योंकि जैसे हमारे कुछ काम करनी, पूरा रिपेयर करना होगा फ्रेंड्स, तो इसको रिपेयर करेंगे। और आप देख सकते हो इसके अंदर अभी ये इसमें कोई वजन नहीं रहा, और क्योंकि हमने सब सर्किट और निकाल लिए, वजन तो सिर्फ एक ट्रांसफार्मर का और एक बूफर स्पीकर का था। तो फ्रेंड्स, हमने निकाल लिए हैं दोनों को और मैं इनको क्लीन करता हूँ, तो आप वीडियो में आगे बने रहिए फ्रेंड्स।
ये पूरी तरह क्लीन हो चुका है और इसकी वायरिंग वगैरह सब मैंने खोल दी है और इसका आप देख सकते हो। अब इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम जो हमारे लिए होम थिएटर बनाएंगे तो आप कमेंट करना, मैं पूरी तरह इसकी डिटेल वीडियो लाऊंगा और वीडियो बहुत लंबी होगी। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करना वीडियो लंबी बनाई जाए या फिर पार्ट में बनाई जाए। अगर आप चाहोगे उस तरह बना देंगे फ्रेंड्स तो आप कमेंट जरूर करना क्योंकि शानदार वीडियो हमारे चैनल पर मिलती है। और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू और धन्यवाद।